विदिशा भय से मुक्त औषधि पौधों से युक्त और कौओ सहित अन्य पक्षियों के संरक्षण का इतना बड़ा उदाहरण और कार्य मैंने अपने जीवन में अन्य किसी मुक्तिधाम में नहीं देखा। उक्त उद्गार भोपाल आकाशवाणी केंद्र की औद्योगिक डॉक्टर शिखा जैन ने विदिशा के मुक्तिधाम में स्थापित बोधि वृक्ष के दर्शन करते हुए कही। मुक्तिधाम सेवा समिति के द्वारा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर आयोजित विशेष श्रमदान में शामिल होने खास तौर से भोपाल आई। डॉक्टर शिखा जैन तो आकाशवाणी भोपाल में जानी मानी औद्योगिक भी है। उन्होंने आगे कहा कि यह तो महिलाओं को आने से भी भय नहीं लगता और मैं निशब्द हूँ। यह पर्यावरण के लिए जिस प्रकार 365 दिन समर्पण सेवा भाव चलता है वह अपने आप में अनूठा है और आज आकर मैंने यहाँ जो खुशी और अनुभूति देखी वह अद्भुत है। शिखा जैन के मुताबिक गांधी जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती पर आप सभी पौधारोपण कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ की परंपरा का भान भोपाल में ही है कि जब लोग यहाँ आकर अपने परिजनों की याद में और जन्मदिन वैवाहिक वर्षगांठ में पौधारोपण अवश्य करते हैं। इसलिए मैं आज अपने परिवार की ऋचा जैन जो परियोजना अधिकारी है उनकी मौजूदगी में अपने दादा की स्मृति में पौधारोपण भी कर रही हूँ। जिला पंचायत की परियोजना अधिकारी ऋचा जैन के मुताबिक मैंने आज तक किसी भी मुक्तिधाम में औषधि पार्क एवं कागो सहित अन्य पशु पक्षियों के संरक्षण का अनूठा कार्य अनियंत्रित कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सद्भावना मंत्रों के साथ पौधों को रोपित करने की परंपरा भी अनूठी। इस अवसर पर सभी ने मुक्तिधाम परिसर में स्थापित बोधि वृक्ष के दर्शन एवं उसका स्पर्श कर पुण्य लाभ भी प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान व्यापार महासंघ के संयुक्त मंत्री राजीव जैन गड्डू आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई मुक्ति धाम को इतना भी सवार सकता है। किसी के बारे में सुनना और उसको लाइव देखना, इसमें बहुत अंतर होता है। जब मैंने सुना कि मुक्ति धाम को कुछ काग उद्यान बनाया गया है, यहाँ पर मेडिसिन प्लांट लगाए गए हैं, तब मुझे इतना यकीन नहीं था। मुझे लगा कि शायद लोग शायद मेडिसिन प्लांट लगाते हैं तो एक दो प्लांट यहाँ पर लगे हुए होंगे। जब मैं यहाँ पर आई और जब मैंने यहाँ पर आकर काग उद्यान देखा, कौओं की जिस तरह से यहाँ पार्टी होती है वो देखी, और यहाँ पर मेडिसिन जो गार्डन बॉटनिकल गार्डन भैया ने बनाया है वो देखा, तो मैं सच कहूँ मैं निशब्द हो गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस तरह का क्या कोई उद्यान या इस तरह का भी कोई काम हो सकता है जिसे कोई व्यक्ति इतनी शिद्दत के साथ करे कि वो अकेला चले और फिर इतना बड़ा कारवां अपने साथ खड़ा कर ले। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ इस बात का, और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई, मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मुझे ये सब रिकॉर्ड करने का मौका मिला, और मैं बिल्कुल निरुत्तर हो गई हूँ यहाँ पर आकर। और मैं बहुत साधुवाद देती हूँ यहाँ पर मनोज पांडे जी को, उनकी टीम को, और इन सभी महिलाओं को जिन्होंने इतना खूबसूरत इसको बना दिया है कि आज मुक्तिधाम में आने से महिलाएं बिल्कुल नहीं कतराती। तो बड़ी बात, मतलब मुक्तिधाम ऐसा पहला मुक्तिधाम मैं अपने जीवन में देख रही हूँ जहाँ महिलाएं आती हैं और अपनी खुशी से आती हैं, अपनी खुशी से आती हैं और खुशी के साथ यहाँ आकर लोगों को सेवा देती हैं। एक होता है लोग घूमने आते हैं पार्क में, लेकिन यहाँ घूमने ही नहीं आती, यहाँ पर लोग आती हैं, अपना श्रमदान देती हैं, लोगों की सेवा देती हैं। इतना अच्छा बॉटनिकल गार्डन, मतलब कभी लोग जाते हैं बॉटनिकल गार्डन घूमने, अलग से जगह होती है, लेकिन कोई किसी मुक्ति धाम को बॉटनिकल गार्डन में तब्दील कर दे, और कोई किसी बॉटनिकल गार्डन के साथ साथ आपने जो आपका काक उद्यान है उसकी तो मतलब बात ही अलग है। जहाँ पर मछलियों को भी दिया जा रहा है खाना, जहाँ पर कुत्ते भी खाना खाने आ रहे हैं, गाय भी आ रही हैं, और कौओं के लिए जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए कौओं का जो महत्व है जिसको लोग भूलते जा रहे हैं उसको आपने लोगों के दिमाग में जीवित कर दिया है। जब सुबह हम यहाँ आ रहे थे तो हम इतना सोच के नहीं आए थे कि हमें इतना कुछ देखने मिलेगा। सच में मैं भी यहाँ आने के बाद एकदम सरप्राइज हूँ, निशब्द हूँ। विदिशा से सोनू रामदेव की रिपोर्ट।